फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वृद्धम क्लासेस के लाइव लर्निंग सेशन। आज की वीडियो में आप देखेंगे राइट टू एजुकेशन निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, सभी जगह प्रश्न तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ क्या खास बात है कि हम इस वीडियो को देखें, ये प्रश्न आपके मन में उठेगा। उसका सही उत्तर यही है कि इसमें सभी तरह के जो भी राइट टू एजुकेशन एक्ट में प्रश्न बन सकते हैं वो हमने डाल दिए हैं। आपको केवल देखने हैं, पढ़ने हैं, याद रखने हैं। जो भी डिटेल, जो भी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, इसमें विशेषण होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, वो सब हमने डाल दिया। आपको केवल पढ़ना है। हम शुरू करते हैं। आरटीई 2009 का पूरा नाम पूछा जाए तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यह इसे कह सकते हैं, क्योंकि यही कहा जाता है। अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण यही है। प्रश्न पहले से शुरू करते हैं, आपको उत्तर गैस करना है, फिर हम उसका आंसर सीधे बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपको सीधे मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 3 जनवरी 2019 को आरटी 2009 में संशोधन किया गया, तो यह किस धारा से संबंधित था, किस धारा में संशोधन किया गया? तो सही उत्तर है इसका धारा 16 में परिवर्तन किया गया, थोड़ा बहुत संशोधन किया गया, और उसमें कहा गया कि बच्चे को आप फेल कर सकते हो, लेकिन सरकार से परामर्श लेना पड़ेगा, प्रधानाध्यापक से पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसे 8वीं कक्षा में फेल कर सकते हो, उसके पहले उसे फेल नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। 2019 में धारा 16 में संशोधन किया और साथ में यह भी कहा कि राज्य सरकार व प्रधानाध्यापक के अनुसार 8वीं कक्षा में फेल कर सकते हैं, किंतु अगर ये दोनों ही सहमत ना हो तो अध्यापक उसे कक्षा 8 तक फेल नहीं कर सकता बच्चे को, ठीक है। अगला प्रश्न, कैबिनेट ने आरटीई एक्ट 2009 को कब मंजूरी दी? इसका सही उत्तर है 2 जुलाई 2009 को। इसके बाद 20 जुलाई को यह राज्यसभा में पहले गया, 4 अगस्त को यह लोकसभा में गया। तो यहां 3 प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 पर राष्ट्रपति महोदय ने कब हस्ताक्षर किए? तो तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, 27 अगस्त 2009 अधिसूचना गजट जारी। तो देखिए, जिस दिन अधिसूचना जारी हुई उस दिन उन्होंने साइन नहीं किए थे, उन्होंने साइन किए थे एक दिन पहले, यानी 26 अगस्त 2009 को उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो यहां भी 2 प्रश्न आपके बन जाते हैं कि 26 अगस्त को हस्ताक्षर किए और 27 अगस्त को यह गजट में प्रकाशित हुआ या अधिसूचना जारी की गई। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए? तो हमने पहले ही लिख दिया है कि यदि 200 से कम छात्र होंगे, सही उत्तर इसका एक ही है, यदि 200 से कम छात्र होंगे तो उसमें एक शिक्षक और 30 छात्र पे अनुपात में चलना चाहिए, और यदि 200 छात्र से ज्यादा हो जाए तो आप 1:40 ले सकते हैं। तो शिक्षक और छात्र अनुपात 1:40 हो जाएगा 200 से ऊपर होने पर। यहां भी आपके 2 प्रश्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे करना अनिवार्य है? तो देखिए, 45 घंटे तैयारी समय के साथ में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अध्यापक को 45 घंटे तैयारी भी करनी है और उन्हीं 45 घंटों में उस तैयारी की गए मैटर को, पाठ्य योजना को पढ़ाना भी है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक मतलब 1 से 5, न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस हैं, तो यानी 5वीं तक छात्र अध्यापक को कितने घंटे और कितने दिन देने होते हैं? तो 800 घंटे उसे शिक्षण कार्य करना होता है 200 दिनों तक। तो शिक्षक जो शिक्षण के दिवस हैं वो 200 हैं और शैक्षणिक जो घंटे हैं वो 800 घंटे हैं। अगला प्रश्न है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? तो हमें याद है कि अनुच्छेद 21 क को, यानी ऑप्शन बी, मूल अधिकार के रूप में भाग 3 में इसे जोड़ा गया है। डिटेल पढ़ें, 86वें संविधान संशोधन 2002 जो कि अटल जी के समय था, इसके द्वारा अनुच्छेद 21 ए को भाग 3 के मूल अधिकार में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, आरटीई एक्ट 2009 अनुसार कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। देखिए, छात्र शिक्षक अनुपात 1 से 5 के लिए अलग है, 6 से 8 के लिए अलग है। तो यहाँ पे सीधा सीधा उत्तर होगा 35:1, यानी ऑप्शन एक। क्यों? क्योंकि 200 छात्रों से यदि कम होंगे तो छात्र शिक्षक अनुपात इसमें 35:1 होता है, और यदि 200 छात्र से ज्यादा हो जाए तो यह 40:1 हो जाता है।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हों तो क्या प्रावधान है। देखिए यदि छोटी कक्षा की बात करें और 150 से ज्यादा बच्चे हो जाएं तो उसमें एक मुख्य अध्यापक यानी प्रधान अध्यापक लगाना जरूरी है, तो एक प्रधान अध्यापक तो जरूरी है ही, साथ में 120 से यदि ऊपर हो जाते हैं तो उसमें 5 शिक्षक जरूरी हैं। तो यदि एक प्रधान अध्यापक हो और 5 शिक्षक हो तो बराबर सब मिला के हो जाते हैं 6 शिक्षक। तो यहाँ ऑप्शन 3 कहता है एक प्रधान अध्यापक के साथ में 6 शिक्षक, ठीक है, तो प्रधान अध्यापक भी हैं और 6 कुल मिला के उसको मिलाकर के 6 शिक्षक होने चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें आपको कई जगह वेरिएशन मिलेगा, जैसे कोई कहेगा कि एक प्रधान अध्यापक बराबर 5 शिक्षक, तो ये भी राइट है, और आप कहें कि प्रधान अध्यापक को जोड़ दिया जाए तो 6 शिक्षक हो जाएंगे, तो ये भी राइट है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी, क्यों, क्योंकि शिक्षक प्रधान अध्यापक होता है और 5 शिक्षक लगाए हुए हैं, तो सब शिक्षक कितने हो गए, सब मिला के टोटल हो गए 6 शिक्षक। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। तो 6 से 8 कक्षा के लिए यदि 100 से ज्यादा छात्र हो जाते हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यदि 100 से ज्यादा छात्र हो जाते हैं तो वहां एक प्रधान अध्यापक की नियुक्ति करना होता है। लेकिन छोटी कक्षा में 1 से 5 के लिए 150 छात्रों के ऊपर यदि संख्या हो जाती है तो एक प्रधान अध्यापक लगता है। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 तहत निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। तो यह है 25% सीटें उन्हें निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसे एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में अध्यक्ष कौन होता है। तो इसमें देखिए अभिभावक ही अध्यक्ष होते हैं, हेडमास्टर विद्यार्थी इनका कोई रोल नहीं है, तो अभिभावकों से ही एसएमसी बनती है और अभिभावक भी वही होंगे जो उस छात्र उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन्हीं छात्रों के वो अभिभावक होने चाहिए। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 अनुसार कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या होगा। तो हमने बता दिया यदि कोई सी भी कक्षा हो 200 से ज्यादा छात्र जाएंगे तो आपको 40:1 ही छात्र शिक्षक अनुपात रखना है, तो 40:1 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लिखा भी हुआ है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से कम हो तो छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होगा और 200 से ज्यादा है तो 40:1 होगा। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितने हैं। तो हमने बताया था 1 से 5 के लिए 800 घंटे व 200 दिन है, तो 6 से 8 के लिए 1000 घंटे व 220 दिन होते हैं, तो 6 से 8 के लिए 1000 घंटे और 1 से 5 के लिए 800 घंटे, यहाँ आपके दो प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है धारा 17 के बारे में हमने लिखा है, उस पर खतरा यानी यदि शिक्षक ने खतरा मोल लिया तो वह दंड दे रहा है बच्चे को, प्रताड़ित कर रहा है, तो इसका सही उत्तर है धारा 17, ये शॉर्टकट की मान लीजिए। जब हम आपको इसका पूरा आरटीई एक्ट पढ़ाएंगे, ये तो प्रश्न है केवल, तो वहां हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कि किस धारा की क्या शॉर्ट ट्रिक से आप पहचान सकते हो। सही उत्तर है इसका धारा 17, यानी बच्चे को आप शारीरिक दंड, प्रताड़ित करना, उसे घूरना मारना ये सब नहीं कर सकते, यह धारा 17 में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है, आयु के अनुसार अधिक सम जातीय है, या केवल एक सही है, या केवल एक व दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर है आयु के अनुसार अधिक सम जातीय होती है कक्षा। क्यों होती है, क्योंकि सम जातीय का मतलब सबकी समान जाति होती है आयु के अनुसार, यानी छठी क्लास का बच्चा यदि 12 साल का है तो 12 साल का ही होगा, 13 वर्ष का बालक अगर 8वीं कक्षा में है तो सभी बालक 8वीं कक्षा वाले 13 वर्ष के ही होंगे, यानी सम जातीय है, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ हमने चार्ट बना दिया है कि बालक की आयु और कक्षा में प्रवेश लेने की आयु, यदि बालक 6 वर्ष का होगा तो पहली कक्षा में जाना चाहिए, 7 वर्ष का होगा तो दूसरी में, 8 में, तीसरी, 9 वर्ष का, चौथी कक्षा, 10 वर्ष का, पांचवी कक्षा, 11 वर्ष का, छठी कक्षा, और 12 वर्ष का होगा तो 7वीं कक्षा में, और यदि बालक 13 वर्ष का है तो वह 8वीं कक्षा में प्रवेश लेगा।
और जैसे ही 8वीं कक्षा पास करेगा वह 14 वर्ष का हो जाएगा और सरकार का दायित्व समाप्त हो जाएगा, यानी ये आरटीई एक्ट उस पर लागू नहीं होगा क्योंकि वो 14 वर्ष से ऊपर का हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों आपका चैनल को सपोर्ट करने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद।